प्राप्त कर चुके हो। अब एक सीढ़ी रहेगी कौन? अनुग्रह। माताओं बहनों, हम खूब भक्ति करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, खूब मन से कथा सुनते हैं, लेकिन अंदर क्या रहता है? एक लालच रहता है, क्या कि भक्ति करेंगे तो हमें भगवान मिल जाएंगे, जब भगवान मिल जाएंगे तो हम भगवान से ये मांगेंगे, वो मांगेंगे, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ये दे दो, वो दे दो। सबके अंदर ये होता है, मेरे अंदर भी है। सुख कृपा जब तक रहती है तब तक जीव के अंदर मांगने की इच्छा रहती है, हमारे अंदर भी है, आप लोगों के अंदर, सबके अंदर मांगने की इच्छा है। भगवान से सब लोग मांगते हैं, क्योंकि सुख कृपा हम खूब पूजा करते, खूब भक्ति करते, खूब पाठ करते, क्यों पूजा करते करते, सत्संग करते करते एक दिन भगवान मिल जाएंगे। जब भगवान मिल जाएंगे तो कहेंगे मांगो, तो हम ये मांग लेंगे। लेकिन माता जी अच्छी बात है, खूब पूजा करो, सत्संग करो, भजन करो, एक दिन भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। जब भगवान मिल जाएंगे, इसी सत्संग करने से, भजन करने से, भक्ति करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जब भगवान मिल जाएंगे, भगवान तुम्हारे सामने खड़े होंगे, कहेंगे भक्त मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब आप लोग नहीं मांगोगी, क्यों मांगोगी? तब कहीं खाए नहीं मांग रही, पूरी जिंदगी तपस्या करी, भक्ति करी, मांगे ना। माता जी अभी लगता है हम मांगेंगे मांगेंगे, लेकिन एक दिन भक्ति करते करते परमात्मा मिल जाएगा, और ब्रह्म जब तुम्हारे सामने खड़ा होगा, ब्रह्म के सामने माया का पर्दा हट जाता है। ब्रह्म के सामने जो ये माया है ये नहीं टिकती। जब ब्रह्म सामने खड़ा होगा तो माया का पर्दा हट जाएगा, हमें सत्य का ज्ञान हो जाएगा। भगवान कहेंगे मांगो, तब आप लोग क्या कहोगे? प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, मानो सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये भाव आ जाएगा, तब तुम क्या कहोगे? अब कछु नाथ चाही मोरे, ओ दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु आपके दर्शन हो गए, मानो सब कुछ मिल गया, कोई इच्छा नहीं रही, बस प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब आप ये कहो। लेकिन अभी ये वाला भाव नहीं आया कि अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु, अभी तो चाहिए। ये वाला भाव है मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर। अभी कौन वाला भाव है? कि चाहिए। लेकिन भक्ति करते करते जिस दिन परमात्मा मिल जाएगा, कहेगा मांग लो तुम्हें क्या चाहिए, ब्रह्म के सामने माया का पर्दा हट जाएगा, तुम जान जाओगी सब नश्वर है। तुम कहोगी प्रभु चरणों में रख लिया, आपने दर्शन दे दिए, सब कुछ मिल गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अभी ये वाला भाव नहीं आया, दया हो गई, करुणा हो गई, कृपा हो गई, सुकृपा हो गई, लेकिन अभी अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे केवट को अनुग्रह प्राप्त हुआ, भगवान ने कहा ले केवट अंगूठी, केवट कहता है प्रभु चरणों की रज मिल गई, सानो सब कुछ मिल गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। केवट ने क्या कहा? अब कछु नाथ न चाही मोरे, और दीन दयाल अनुग्रह तोरे। तो प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, हमारे अंदर भी ये वाला भाव नहीं आया है। आइए करते हैं भजन, करते हैं संकीर्तन, अवश्य भक्ति करते करते परमात्मा मिलेंगे। हो तेरी मर्जी कि मैं हूँ गुलाम, हो तेरी मर्जी कि मैं हूँ गुलाम, मेरे अले बेले राम, मेरे अले बेले राम, तेरी मर्जी को मैं हूँ गुलाम, मेरे अले बेले राम, मेरे अले बेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अले बेले राम, मेरे
मुख से गाइएगा, तालियां बजाइएगा, लगे कि आप लोग संकीर्तन कर रहे हो। एक बार देवऋषि नारद जी ने कहा भगवान विष्णु से कि प्रभु तुम कहाँ रहते हो, तो भगवान विष्णु ने कहा नाहम बसामि वैकुंठे योग नाम प्रतिष्ठित रहता। तो माता बहनों, ये नर्तन मिला है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में ये मानव तन मिलता है, बड़े सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। कहा जाता बड़े भाग मानुष तन आवा, बड़े अच्छे कर्म करे होंगे पूर्व जन्म में जो ये नर्तन मिला, और इसमें भक्ति मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कहा जाता 20 लाख इस थावर जानो, 9 लाख सब जल चर मानो, 11 लाख कर्म कभी गाये, 25 गढ़ 10 लाख बनाए, 30 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख बानर सुखदाई, जब ये 84 कट जामे तब मनुष्य को तन कछु पामे। विचार करो कितने अच्छे कर्म करे होंगे जो ये नर्तन मिला, और फिर भी भजन नहीं करती, तालियां बजाकर जोर से बोलने माता मैंने आसमान छीन लिया मेरा भो आवाज किसमें ज्यादा आई? अब मुझे दोनों की
बराबर लग रही है, ऐसा लग रहा है कि विपता की मारी हुई बैठी है क्या? अरे नहीं भैया, माताएं बहुत अच्छी हैं, रोटी बनाने में तवांगे माता तो अच्छी होती है। हाँ, रोटी बनाने में तवांगे, कंडा पाथन में तवांगे, लड़बे में बातें करे तो नंबर, खईबे में ताली बजीबे में चढ़ाईबे में हर काम में माता है बहने आएंगे। और देखो अब आगे पुरुषों से ज्यादा माताओं में आई है, लेकिन चोर शिविर कर सभी भक्त बोलेंगे बोले शिविर कर भगवान की जय हो। बहुत सुंदर, अब लग रहा है आप लोग कथा में बैठे बिल्कुल अलर्ट होके बैठो कि लगे कथा में बैठे हो, बड़े आनंद के साथ बैठो, ऐसे जैसे भैया के मुंह लटका के ना बैठो कि बड़ी विपदा की मारी, ऐसे ना बैठो कि अस्पताल के बाहर बैठे कोई इंतजार कर रहे हैं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। परीक्षित जी महाराज, कल कथा कहाँ पर हुई थी? कल कथा कहाँ पर हुई थी? परीक्षित जी को नहीं याद, कहते तुम्हें बता रहे कि परीक्षित देवी को याद है, मनुष्य रूपा को भगवान ने वरदान दिया कि तुम्हारे समान बेटा और हम तुम्हारा बेटा बनकर आएंगे। कब? आप राजा दशरथ बनेंगे, आप कौशल्या बनेंगे, तब राम के में आपका बेटा बनकर। तो राम जन्म के हित होने का परम विचित्र एक थे एक। आइए चलते हैं अवध की ओर जहाँ राजा दशरथ का शासन चलता है। माता बहनों अपने मन मंदिर को ले चलते अयोध्या। अयोध्या जहाँ के सम्राट चक्रवर्ती राजा दशरथ है। अयोध्या का नाम अयोध्या क्यों पड़ा? श्री राधे, अयोध्या का नाम अयोध्या क्यों पड़ा? श्री राधे, माता बहनों भक्तों, आप सब अयोध्या गए हैं जी? सरयू जी ना है, अयोध्या का नाम अयोध्या क्यों पड़ा? नहीं पता। जहाँ कभी युद्ध ना हुआ अयोध्या, जहाँ कभी युद्ध ना हुआ हो, जहाँ लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो, जहाँ राग द्वेष ना हो, ऐसी पावन भूमि का नाम अयोध्या। जहाँ बैर भाव लड़ाई झगड़ा ना हो, राग द्वेष ना हो, कले ना हो, ऐसी भूमि का नाम अयोध्या। और आज उसी अयोध्या के पीछे युद्ध छिड़ा हुआ है ना। आज देश में जो हो रहा उसी अयोध्या के पीछे जाना ने जान जाने कितने वर्षों से चला रहा है युद्ध छिड़ा। अब जाके समाधान हुआ, मंदिर निर्माण हुआ, जाने कितने संत महात्मा, जाने कितने लोग अयोध्या मंदिर के लिए अपने प्राणों को देकर चले गए। लेकिन आज फैसला आया अयोध्या का, लेकिन वो उनका काम, वो जाने, हमें उस राजनीति में नहीं पड़ना। तो अयोध्या जहाँ कभी युद्ध ना हुआ हो, ऐसी पावन भूमि का नाम अयोध्या। आइए चलते हैं अवध की ओर जहाँ राजा दशरथ का शासन चलता है। अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ अयोध्यापुरी के राजा हैं। माता बहनों उनके राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं है। राजा दशरथ के पास में इतना सब कुछ है, सोने के पलंग में सोए, सोने के पात्र में भोजन करें, फिर भी राजा दशरथ पूरी तरह से सुखी नहीं है। दशरथ जी के पास चक्रवर्ती सम्राट है जिसकी ताकत से इंद्र जैसे राजा राज्य करते हैं, ऐसा सम्राट अयोध्या का राजा दशरथ हुए। जिनके पास इतना है, हाथी घोड़ा रथ मकान दुकान बहुत कुछ है, इतना है राजा दशरथ के पास कि सोने के पलंग में सोए, सोने के पात्र में भोजन करें, लेकिन
लेकिन फिर भी उनके जीवन में कमी है, वो कमी का नाम ही जीवन है। कमी हर मनुष्य के जीवन में होती है, चाहे वो महलों में रहने वाला हो और चाहे झोपड़ी में रहने वाला। हमारी बात ध्यान से सुना, कमी हर मनुष्य के जीवन में होती है। बुढ़ता सुखी कोई नहीं है, बताओ इतनी माताएं बैठी कोई पूरी तरह से सुखी है? कमी हर मनुष्य के जीवन में है, चाहे वो महल में रहने वाला हो और चाहे वो झोपड़ी में रहने वाला हो, पलंग पर सोने वाला हो चाहे फुटपाथ पर सोने वाला हो। हर मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ कमी जरूर है, वो कमी का नाम ही जीवन है। इतनी माताएं कथा सुन रही है, पूरी तरह से कोई सुखी है? माता जी पूछो, माता जी सब ठीक है? कहेंगे ठीक तो है लेकिन, और जहाँ लेकिन परंतु किंतु लग जाए तो मान लेना कुछ ना कुछ कमी जरूर है। परीक्षित जी पांच पांच लड़के हैं, सुखी हो? तो सुखी तो है लेकिन बुढ़ापा आ गया तो गांठें बहुत दर्द करती है। पूछो भैया सुखी हो? सब ठीक है? कहेंगे ठीक तो है लेकिन बीपी कभी लो हो जाता है। पूर्णता सुखी कोई नहीं। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछा जाए, पूरे देश के राजा बने बैठे हो, सुखी हो? तो वो भी कहेंगे ठीक तो है लेकिन बीपी हाई रहता है। कोई पूर्णता सुखी नहीं है। इतनी माताएं सुन रही कथा, कोई लड़का से दुखी तो कोई बिटिया से दुखी, कोई धन से दुखी तो कोई शरीर से दुखी, कोई तन से दुखी कोई मन से दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखिया कोई नहीं। राजा दशरथ चुप करती सम्राट है, सोने के पलंग में सोए, चाहे तो सोने के पात्र में भोजन करे, लेकिन उनके जीवन में कमी है, वो कमी का नाम ही जीवन है। चाहे महलों में रहने वाला हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो, चाहे जमीन पर सोने वाला हो, चाहे पलंग पर सोने वाला हो, हर मानव के जीवन में कुछ न कुछ कमी जरूर होती है, और कमी का नाम ही जीवन है। एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा था, ध्यान देना अच्छी जी, एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा था, कह रहा था कि नदी का पानी टेढ़ा है। नदी का पानी टेढ़ा होता है अच्छी जी? एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा था, कह रहा था कि नदी का पानी टेढ़ा है। एक संत खड़े थे, संत ने कहा नदी का पानी टेढ़ा नहीं है, नदी के जो मोड़ हैं ये टेढ़े मेढ़े हैं, इसलिए पानी टेढ़ा दिखाई दे रहा है। परिचय जी पानी टेढ़ा होगा? पानी टेढ़ा होता है? परिचय जी कह रहे टेढ़ा होता भी है नहीं भी होता? क्या बात है, परिचय जी से ज्यादा विद्वान परिचय देवी है। कह रहे पानी टेढ़ा नहीं होता है। एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा था, कह रहा था पानी टेढ़ा मेढ़ा है, पानी टेढ़ा है। एक विद्वान खड़ा था, कहता पानी टेढ़ा नहीं है, नदी के जो मोड़ है वो टेढ़े मेढ़े हैं, इसलिए पानी टेढ़ा दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब हमारा ये है, जीवन सरल का सीधा सरल होता है, लेकिन मनुष्य के जीवन में जो दुख सुख आते हैं, जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो हान लाभ आते हैं, ये मनुष्य के जीवन को टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं।